तेजी से बिगड़ते हुए हालातों पर काबू पाने के लिए और शासन की भलाई के मद्देनजर इन संगीन इलाकों में आपातकालीन स्थिति का फरमान जारी करते हैं लॉर्ड कटलर बेकेट, जो इंग्लैंड के महाराजा के भेजे गए खास अधिकारी हैं। फौजी कानूनी कायदे के तहत ये तमाम अधिकार फिलहाल रद्द किए जाते हैं। एकजुट होने का अधिकार निलंबित, मुकदमा चलाने का अधिकार निलंबित, कानूनी सलाह का अधिकार निलंबित, नियुक्त जूरी के फैसले का अधिकार निलंबित। फरमान के तहत जो भी समुद्री लुटेरा ठहराया जाएगा या जो भी लुटेरे मुजरिमों की मदद करेगा या लुटेरे मुजरिमों के साथ संगत में रहेगा, उसे फांसी के फंदे से लटकाकर सजा दी जाएगी आखिरी सांस तक। उनके लिए जो इसका मतलब नहीं समझते, खासकर एक औरत
तुमने कैसे सोच लिया कि वो अकेली है? तुम बचाओ क्या? तुम्हें क्यों लगता है मुझे कोई बचाने वाला चाहिए? तुम्हारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे हैं, और कहीं हमें बेवजह किसी की जान लेनी पड़ी तो मिलने का मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए बुद्धों के पास नहीं हो सकती। ये तो समझने की बात है। उतारो सब कुछ। कैप्टन बारबोसा, सिंगापुर में आपका स्वागत है। हाँ पर हाँ। चाहते हो? मिन्नत नहीं, एक गुजारिश है। मुझे
मुझे एक जरूरी सफर पर जाना है। मुझे एक जहाज और कुछ काबिल लोग चाहिए। या थोड़ी सी उलझन है। आपके पास जहाज और आदमी हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है? नहीं, बात यह है कि आज सुबह यहाँ से कुछ ही दूर एक चोर हिम्मत करके मेरे प्यारे चाचा के मंदिर में घुस आया और इन्हें चुरा कर भाग रहा था। समुद्री यात्रा के नक्शे दुनिया के आखिरी छोर तक का रास्ता। ये तो कमाल हो जाएगा ना अगर तुम्हारा ये सफर तुम्हें ले जाएगा आखिरी सीमा के उस पार। ये तो जिंदा रहते हुए आसान नहीं है। यही है वो चोर। इसका चेहरा पहचानते हो? ठीक है, तो इस चोर की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरे शहर में आते हो, ऊपर से मेरी खातिरदारी का अपमान करते हो। देखो मेरा यकीन मानो, मुझे नहीं पता था कि ये पकड़ा जाएगा। तुम्हारा ये इरादा है समुद्र तले डेवी जोन्स के मौत के जाल तक पहुंचने का, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता आखिर किस लिए। आवाज गूंज रही है, यही तकाजा है वक्त का। हमें लुटेरे बिरादरी का जमघट लगाना होगा, और तुम भी 9 लुटेरे सरदारों में से एक हो, इसलिए तुम्हें भी वहां आना पड़ेगा। भाप बढ़ाओ। सबके सिर पर इनाम रखा गया है जी, लेकिन यह भी सच है कि आजकल लुटेरे नफा कमाने के लिए अपने ही साथियों से धोखा करते हैं। इशारे का इंतजार करोगे? सरकारों के बीच ये तय कि सबके कायदे कानून ऊपर एलिजिबिलिटी और चुनौती दे रहे हैं। लॉर्ड कटलर बेकेट, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के आगे लुटेरों की बिरादरी क्या कर लेगी? हम में से कोई क्या कर लेगा? आप लड़ सकते हैं, छोड़ो मुझे। अब साओ फेंग है लुटेरों की सरदार सिंगापुर की। अच्छा अच्छा, देख देख मजा आएगा। कप्तान आजादी से समुद्रों में घूमते हैं, जहाँ लहरें ऊंचाइयों से आप चाहते हैं कि ऐसा सुनहरा दौर यूं ही खत्म हो जाए। दुनिया के सबसे खौफनाक लुटेरे अपने दुश्मनों से टक्कर लेने इकट्ठा हो रहे हैं, और आप यहाँ कायर की तरह नहाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। एलिजाबेथ स्वान, तुम जैसी दिखती हो वैसी बिल्कुल हो नहीं। हसीन चेहरे के साथ दूर की सोचने की ताकत है, लेकिन ये सोचकर मुझे हैरानी होती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। आखिर तुम्हें क्या चाहिए डेवी जोन्स के नर्क में? जैक स्पैरो, वो लुटेरों के सरदारों में से एक है। सिर्फ एक वजह है जिसके चलते मैं जैक स्पैरो को मौत की दुनिया से वापस लाना चाहूंगा, ताकि मैं खुद उसे वहां वापस भेज सकूं। जैक स्पैरो 9 सिक्कों में से एक का मालिक था। मरने से पहले वो उसे किसी वारिस के हाथों सौंप नहीं सका, इसलिए हमें जाकर उसे वापस लाना है। तो मानते हो ना कि तुमने मुझे धोखा दिया? Thank you.
आदमी में हमारी मदद करेगा और शिपरेक को ऊपर मिलेगा। आओ चलो जल्दी। सौफिक ने काफी जोर देकर कहा था आठ के नौ सिक्के हैं। कौन जाने इसकी क्या अहमियत है, हमें कोई हरा नहीं सकता, खासकर जब फ्लाइंग डचमैन जहाज सबसे आगे हो। इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? हमारे दोस्त ने बताया नहीं कि लुटेरों का जमघट कहां लग रहा है? इस बारे में कुछ कहा नहीं सर। यानी वो खबरों की कीमत जानता है। ये बात हमारे बीच में रहे तो अच्छा है, हम नहीं चाहते कि कोई अपनी बेटी की खोज में सिंगापुर भाग जाए। एडमिरल, आपने मुझे बुलाया लॉर्ड बेकेट? हाँ, तुम्हारे लिए वहां कुछ रखा है, तुम्हारे नए ओहदे पर एक पुराने दोस्त की निशानी। और किसी चीज का ऑर्डर तो नहीं आया? नहीं सर, सिर्फ फांसी का। की बिरादरी जानती है कि वो तबाह होने वाले हैं, उन्हें सिर्फ ये तय करना है कि आखिरी लड़ाई वो कहां और कब लड़ना चाहते हैं। जिस तरह वो बारबोसा को ले आई थी, क्योंकि बारबोसा सिर्फ मरा था, जैक स्पैरो की आत्मा और शरीर कैद किए गए हैं एक ऐसी जगह जहां मौत नहीं बल्कि सजा दी जाती है। जरा सोचो इससे बुरी किस्मत भला एक आदमी की क्या हो सकती है, ऐसा दर्द जिसका कोई अंत नहीं, यही मिलेगा डेवी जोन्स की मौत के जाल में। मैंने कहा था कि कुल्फी मीठी होगी। यहां तो कुछ भी सही नहीं है, ये आजकल के नक्शे जितना सही नहीं हो सकता। लेकिन हमें कितने सारे समुद्री रास्ते दिखाता है। आखिरी छोर से और दूर उगता सूरज डूबता है, दिखती है चमक हरे रंग की। इसका मतलब समझाएंगे कैप्टन बारबोसा? मुझे बताओ
कभी हरे रंग की चमक देखी है तुमने गिब्स? उस चमत्कार की झलक देख चुका हूँ, खास मौकों पर ही वो दिखती है। सूर्यास्त का आखिरी नजारा, जब हरी सी रोशनी आसमान में फैल जाती है। कई लोग पूरी जिंदगी उसे देख नहीं पाते, कई देखने का दावा करते हैं, जबकि उन्होंने देखा नहीं होता। ये तब दिखती है जब कोई आत्मा मौत की दुनिया से लौटकर इस दुनिया में आती है। माफ कीजिए। मेरा यकीन मानो नौजवान टर्नर, मौत की दुनिया तक पहुंचने में इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी वापसी में होती है। साबित हो सकता है। अफसोस हुआ, पर मुझे चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो तुम्हें यह एहसास दिलाता रहेगा कि इस जहाज पर हो कंपनी का चल रहा है। हमें पूछताछ के लिए कैदी चाहिए, और पूछताछ तभी हो सकती है जब वो जिंदा हो। यह जजमेंट जहाज उसी तरह चलेगा जैसे उसका कप्तान, और इसका कप्तान इसे वैसे ही चलाएगा जैसा कंपनी चाहेगी। तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें क्रैकिन को मारने को कहा था। अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है जोन्स, जिसकी अहमियत ही नहीं थी वो अब खत्म हो चुका है। तैयार हो जाओ। से और कितनी देर बात नहीं करोगे? जय
जैक को बचा ले, सब ठीक हो जाएगा। तो जैक को छुड़ाते हैं। उसके लिए आखिर में कीमत चुकानी है। बर्बोसा, सामने खतरा है। हाँ हाँ, इस वक्त हम दिशा खो चुके हैं। खो चुके हैं? बिल्कुल, अगर हम उन जगह को ढूंढना चाहते हैं जिन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं, तो खोना ही पड़ेगा, वरना सब हाल जाग जाएंगे। हम रफ्तार पकड़ रहे हैं। जी हाँ, कहां सुनोगी? समझे ना, तो ये काम की है ना ही लंबी, बल्कि मैं तो कहूंगा घटिया। माफी चाहते हैं भाई बाप, बस आप हमारे को एक ठो मौका दे दीजिए। मौका?
मुझे तो जिंदगी में आज तक एक मौका नहीं मिला। हमने अपनी रफ्तार भी खोई है और उसके साथ वक्त भी, कीमती वक्त, जो हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। कुछ आया समझ में? आया कप्तान? है कप्तान। आ भी गया? ये सब काम फिर से करना पड़ेगा, पूरे का पूरा। जिंदगी भर याद रहेगा ये सबक तुम सबको। बड़ी हवा नहीं है ना साई, जहाज चलाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मुझे तुम नाजूर के कीड़ों से कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही झूठ मूठ नाटक करने की आदत है। आयो, तुम सब हम शक्लों को मेरी अलविदा। क्यों जनाब? क्योंकि वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है भाई। तो अगर उल्टी खोपड़ी का आदमी है तो उसकी खोपड़ी पका के खिला देते सबको एक साथ पार्टी करके। और क्या आएगा कप्तान? जगह तो सचमुच डेविड जोन्स का मौत का जाल है।
जैक कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो यही है, डेवी जोन्स ने जिसे एक बार गुलाम बनाया उसे कभी नहीं छोड़ा। इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें यहाँ फंसाने वाले तुम हो और तुम जैक से कुछ कम नहीं हो। शातिर जैक अब ज्यादा दूर नहीं है। आपके पास नहीं, बचाना तो आपको है, लेकिन बचाने का इस वक्त मेरा मन नहीं कर रहा है। शायद तुमने मेरा जहाज नहीं देखा, वो देखो उधर। दिखाई नहीं दे रहा, मेरे ख्याल से तिनके की तरह ब्लैकवेल जहाज के पीछे छिप गया। जैक, कटला बैकेट के पास डेवी जोन्स का दिल है, फ्लाइंग डचमैन जहाज उसी के कब्जे में है। समंदरों पर कब्जा चाहता है। मौत का धुन बज चुका है, लुटेरों की बिरादरी को बुलाई गई है। तुम लोगों को कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ा, देखो क्या हो गया, सब सत्यानाश हो गया। आ जाए, हम सबको जरूरत है सिर्फ तुम्हारी और तुम्हें आदमी होगी। मैं क्यों तुम लोगों को जहाज पर ले जाऊं? तुम इससे चार ने मुझे मारने की कोशिश की, एक ने तो मार भी डाला। तो कन्या ने तुम्हें बताया नहीं, तब तो पूरी दास्तान बतानी पड़ेगी तुम्हें। और तुम तो ये मत कहना कि उस रात तुम्हें मजा नहीं आया। मजा तो आया, ठीक है आ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमसे डर लगता है। गिब्स तुम आ सकते हो। माटी कॉटन, कॉटन के तोते पर शक है, पर कोई तो बात करने लायक होगा। ये क्या चीज है? टाई वोंग, ये मेरे आदमी है। तुम्हारी वफादारी किसकी तरफ है? जो ज्यादा कीमत देगा। मैं जहाज का मालिक हूँ, तो हमारी वफादारी आपकी हो गई। समझदार हो। चलो लंगर उठाओ, सब लोग चलने की तैयारी करो। जैक, तुम किस तरफ जा रहे हो? जैक,
नहीं, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जहाज पर हुक्म कप्तान दे रहा है। जहाज का कप्तान ही हुक्म दे रहा है। जहाज मेरी है, मैं कप्तान। नक्शे तो मेरे पास है। अच्छा, तो तुम नक्शेबाज हो? मैंने कहा बस करो, बस करो तुम दोनों, ये मेरा हुक्म है, समझ गए? वो क्या है कि देख रहा था कि आप दोनों में मारपीट हुई थी कप्तान बनने के लिए, तो क्यों ना मैं उसके माफी चाहता हूँ। ओए, तेरे को मैं ही चुनूंगा। अच्छा, चेक को क्रैकन के हवाले कर दिया था। उसे बचा लिया ना, हम सब ठीक है। चेक को कुर्बान होना ही था। और जानबूझ कर मुझसे कुछ नहीं कहा। कैसे कहती? फिर ये तकलीफ तुम्हें सहनी पड़ती। पर मैंने तकलीफ तो सही ना। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा लगा कि तुम्हें लगा मैं उससे प्यार करती। तुम अगर अकेली सब तय करोगी तो तुम पर यकीन कैसे करो? नहीं कर सकते। जिसका जिम्मा उसे सौंपा था समंदर की देवी कैलिप्सो ने। समंदर में जो मर जाते हैं उसे उस पार ले जाना है, और हर 10 साल में एक दिन वो जमीन पे पाव रख सकता है। उसके साथ रहने जो उसे प्यार करती है सच्चे दिल से, लेकिन वो मुकर गया और राक्षस बन गया। तो पहले से उसका ब्रेक था सोने का? नहीं, वो दिखने में प्यारा था, एक अच्छा खासा आदमी। ये भूते तो हमारी तरफ आ रहे हैं, वो भी नाव में बैठकर। उनसे हमें कोई खतरा नहीं है ना? नहीं है ना? हम सब भूत हैं उन लोगों की नजरों में। उन्हें मत छेड़ो, इसी में बनाई है। ये तो मेरे पापा हैं, हम वापस आ गए हैं। तुम्हारे पापा अब नहीं है। एलिजाबेथ, क्या तुम मर चुके हो? नहीं, नहीं।
लेकिन मैं मर चुका हूँ। नहीं, आप नहीं मर सकते। वो संदूक जिसमें डेवी जोन्स का दिल था, उसका राज मुझे पता चल गया था। ऊपर आ जाइए। और वो दिल, अगर उस दिल में किसी ने छुरा भोंक दिया तो उसकी जगह उसे अपना दिल रखना पड़ेगा। फिर वो हमेशा के लिए समंदर की सैर कर सकता है। फ्लाइंग डचमैन जहाज पर कप्तान की जरूरत होती है, लेकिन मरने की क्या ये कोई वजह है? अरे कोई रस्सी फेंको, हमारे साथ वापस चलिए। ये सारा खेल किस्मत का है। रस्सी पकड़िए। मुझे तुम पे बड़ा फक्र है एलिजाबेथ। मैं वापस चलिए रस्सी पकड़िए। उसे जान से बच जाने देना। उस बार जाकर मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारा प्यार दूंगा। कुछ कर सकते हैं? वो मर चुके हैं। ये बोतल भी खाली हो गई। अगर आज रात से पहले हम इस जगह से ना निकल पाए तो मुझे डर है हमें इस दिशाहीन समंदर पर बर्बाद होकर हमेशा के लिए दोनों जहां के बीच भटकना होगा। और अगर पीने को पानी न मिला तो भटकने से पहले ही मौत आ जाएगी। ये कुछ करता क्यों नहीं गिब्स? और नक्शे में दिया हुआ मौत से बचने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अरे रंग की चमक सूरज डूबने पर होती है, उगने पर नहीं। आखिरी सीमा तक, ये कमबख्त आखिरी सीमा मुझे पागल कर देगी। उगता सूरज डूबेगा कैसे? ऊपर ही नीचे है ये समुद्री नक्शा है जंतर मंतर। ये सब घुमा फिरा के क्यों लिखते? अपना दिमाग चलाओ जैकी। क्या, कौन है? दिल में छुरा दागो। नहीं, ऐसा मत करना। क्या कहा? डचमैन जहाज को कप्तान की जरूरत है। ये तो समुद्री नक्शे से भी ज्यादा पेचीदा। दिल पर छुरा दागो और हमेशा के लिए समुद्र पर राज करो। वाह, क्या ख्याल है। और जमीन का क्या? मुझे पानी पसंद, नमकीन पानी। और जमीन पर पानी रखोगे? जहाँ हमें मीठा पानी और लजीज खाने मिलेंगे 10 साल में एक बार। क्या कहा उसे? उसने कहा 10 साल में एक बार। वैसे 10 साल लंबा वक्त होता है। मीठे पानी की तंगी हो तो और भी लंबा लगेगा। सबसे लंबा है अनंत काल के लिए समुद्री सफर। अनंत काल तक बिताओगे कैसे? जी के या मर के? अमर कप्तान स्पैरो। सुनने में अच्छा लगता है। वहां सूरज डूब रहा है, देर हुई तो तुम भी डूब जाओगे। सूरज डूब नहीं रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आएगा। ऊपर वो क्या है? वो है क्या? तुम्हें क्या लगता है? वहां वहां खड़े होंगे।
गर्मी हवा होगा। हम बच गए। सूरज उग रहा है। ठीक है फिर। लुटेरों की बिरादरी का जमघट शिपरी कोव में हो रहा है और जैक तुम और मैं जा रहे हैं। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, समझे? हाय हाय, बहस क्यों नहीं होगी? अगर लुटेरों का जमघट यहाँ होगा तो मेरा जहाज वहाँ होगा। पैकेट से लड़ने के लिए सारे लुटेरे एक हो रहे हैं और तुम एक लुटेरे हो। लड़ो या ना लड़ो, तुम भाग नहीं सकते जैक। हम मिलकर सामना नहीं करेंगे तो वो हमें एक एक करके मारते रहेंगे। कोई नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे। सुनने में अच्छा लगता है कप्तान जैक स्पैरो, आखिरी समुद्री लुटेरा। और तुम डेवी जॉन से अकेले ही लड़ोगे, लेकिन कैसे लड़ोगे कभी सोचा है तुमने? उस सोच पर ही काम चल रहा, मगर उस मौत के जाल में दोबारा नहीं फंसूंगा दोस्त, ये तो तय है। सबूत है तुम और मैं। ये जोखिम भरा जुए का खेल है जैक। यहां से जिंदा लौटना बड़ा कठिन है, पर मौत तो आनी ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर लुटेरों का जमघट बुलाना ही पड़ेगा, क्यों है ना? और कोई रास्ता भी नहीं। काफी खस्ता हालत में है हम और हमारी जान। छुपने के लिए अब यह दुनिया बहुत छोटी लगती है। नई दुनिया अब भी वही, बस जीने की चाहत नहीं। जहरीला है लाशों की वजह से। ये तो मैं जानता हूँ, ये सिंगापुर में था। मेहमान आ गए मेहमान, वो देखो।
जी ये कप्तान। तुम्हारा इस तरह यहाँ आना वाकई कमाल का इत्तेफाक है। जैक स्पैरो, एक बार तुमने मेरा अपमान किया था, याद है? मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। चलो तो हिसाब बराबर हो गया। छोड़ दो इसे, ये सौदे का हिस्सा नहीं है। इस सौदे की बात हो रही है। सुना नहीं कैप्टन टोना ने क्या कहा? छोड़ दो उसे। धोखेबाज कप्तान ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है। अपने पिता को छुड़ाने के लिए मुझे ब्लैक होल जहाज चाहिए। मेरी इस सफर पर आने की सिर्फ यही एक वजह थी। सिर्फ इसीलिए तुमने इतनी तकलीफ उठाई? ये तकलीफ तो मुझे सहनी थी। इसे पर्ल चाहिए, कप्तान टर्नर को ब्लैक होल जहाज चाहिए, और तुम खुद को दोषी ठहराती रही, और तुम और तुम्हारे लुटेरों की बिरादरी भी। क्या कोई मुझे इसलिए बचाने नहीं आया क्योंकि कुछ लोगों को मेरी कमी खल रही थी? उन्हें मेरी कमी खल रही थी। माफ करना जैक, लेकिन उससे पहले एक पुराना दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। भाई मुझे नहीं लगता कि अब मुझ में पुराने दोस्तों से मिलने की और हिम्मत है। अच्छा तो फिर उससे मिलकर देख क्यों नहीं लेते? अजीब बात है, तुम्हारे दोस्त काफी बेताब लग रहे हैं जैक। उन्हें शायद यकीन नहीं होता कि झगड़ने वाले लुटेरों का एक झुंड फ्लाइंग डचमैन जहाज को हरा सकता है। शायद इसलिए उनकी निराशा ही विश्वासघात में बदल गई हो। लेकिन तुम और मैं तो विश्वासघात के आदि हैं, है ना? वो यहां नहीं है जैक। क्या क्या नहीं है? डेवी जोन्स का दिल वो फ्लाइंग डचमैन जहाज पर महफूज है, और इसलिए तुम उसका इस्तेमाल करके उस भले कप्तान का कर्ज नहीं चुका सकते। जहां तक मेरा ख्याल है उसका हिसाब किताब हो चुका है। कैसे? तुम्हारी मौत से? लेकिन तुम तो जिंदा हो। ऐसा समझ लो कि वो एक भयंकर सपना था। तो हिसाब चुकता हो जाएगा। और अगर डेवी जोन्स को पता चल जाए कि तुम जिंदा हो तो? मेरे जहाज ही इस जहाज के लिए काफी है। कंपनी के जहाज पर कंपनी के लोग होंगे। तुमने वादा किया था ना कि ब्लैक होल जहाज मेरा होगा? हाँ वादा किया था। तुम चाहो तो इस राज के बदले एक सौदा कर सकते हो, ऐसा जिसमें तुम्हें कुछ भी देना ना पड़े सिवाय कुछ खबरों के। एक काम करो, मुझे लुटेरों की बिरादरी से अच्छा खासा मुआवजा दिला, डेवी जोन से मेरा हिसाब किताब बराबर करवा दो, और मुझे मेरी आजादी दिला दो बस। हाँ जरूर, ये तो काफी अच्छा सौदा है। अगर मेरे मुंह खोलने की नौबत आ जाए तो मुझे किस किस का पर्दाफाश करना? हर चीज का। वो कहाँ मिलने वाले हैं? लुटेरों के सरदार कौन कौन है? उस आठ के नौ सिक्कों के पीछे क्या राज है? बेकेट ने वादा किया था कि ब्लैक पर्ल जहाज सिर्फ मेरा होगा। तुमने सोचा भी कैसे कि लॉर्ड बेकेट उस जहाज को छोड़ेंगे जो डचमैन को हरा सकता है? बड़े शर्म की बात है कि कंपनी वाले लुटेरों को दिए वादे नहीं निभाते, क्योंकि आजकल वादा निभाना बड़ी अनसुनी सी बात हो गई है। हारने वालों के साथ दोस्ती निभाने में कोई शान नहीं है, जीतने वालों का साथ देना ही अकलमंदी का धंधा कहते हैं। हारने वाले? अच्छा, उनके पास डचमैन जहाज है और ब्लैक पर्ल भी, और लुटेरों के पास क्या है? हमारे पास है कैलिप्सो। एक किसी पिटी दंत कथा
ये जान लो देवी खुद मौजूद है एक औरत के रूप में। जरा सोचो, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए समुद्र की सारी ताकत हमारे पास है, उसका इस्तेमाल उन पर करूंगा। इसके लिए मुझे साथी लुटेरों के कवच चाहिए, सारे के सारे। तुम बारबोसा को रख लो और उसके टिंगू टकले मुंहपट और लकड़ी आंख वाले दोस्त को भी, और टर्नर, खासकर टर्नर को। बाकी सब मेरे साथ जहाज पर जाएंगे और मैं तुम्हें लुटेरों के पास ले जाऊंगा, जहां मैं सारे लुटेरों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम मुझे जोन्स के हवाले नहीं करोगे। बराबरी का सौदा है ना? और मिस एलिजाबेथ का क्या होगा? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो कैप्टन? तुम क्या चाहते हो बताओ कैप्टन? ये लड़की क्या? जैक, मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास एक कमाल का कंपास है जो उसी तरफ इशारा करता है जो मुझे चाहिए। फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। एलिजाबेथ किसी भी सौदे का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, ये तो जाहिर है, मैंने इजाजत नहीं मांगी थी। तुम्हें जो चाहिए उसी तरफ इशारा करता, और तुम्हें लुटेरे नहीं चाहिए, है ना? फिर क्या चाहिए मुझे जैक? मैं, मेरी जिंदगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमने हमें सबसे बात में चला, अगर इससे निकल सकते हैं तो ठीक है। बेड़ा गर्क। हालांकि अगर मैं तुम्हें मार दूं, फिर भी इस कंपास के सहारे मैं अपने आप ही शिपरेकोव को ढूंढ लूंगा। मेरा मतलब दलाल का किस्सा ही। एलिजाबेथ, ये लुटेरे हैं। मुझे लुटेरों से निपटने का अच्छा खासा तजुर्बा रहा है। तो फिर सौदा तय रहा। मुझे मारकर जब तुम शिपरेकोव पहुंचोगे तो एहसास होगा लुटेरों के बांध को तोड़ना नामुमकिन है, और साल दर साल लड़ने के बाद तुम्हें ख्याल आएगा, ओ काश मैंने उस मसीहा को ना मारा होता अंदर, तो सारे लुटेरे होते आज बात के बाहर। क्यों? और तुम ये सब कर सकते हो, है ना? तुम मार दो मुझे, मगर ये सवाल करके मेरी बेइज्जती मत करो। कौन हूं मैं? कप्तान जैक स्पैरो। Song Fung,
चॉइस दो। कल इस वक्त तक हम शिपरेक गोल तक पहुंच चुके होंगे और तुम आजाद हो जाओगे। कैलिप्सो, क्या कहा आपने? अपने ढेरों नामों में से शायद ये नाम तुम्हें पसंद हो, लेकिन हम तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं। हम यानी कौन? तुम क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं? आपने मुझे कुछ बताया? लुटेरों की बिरादरी ने, मैंने नहीं, उन्होंने जो तय किया उसका विरोध मैंने किया था। उन्होंने तुम्हें एक औरत के जिस्म में बांध दिया ताकि समुद्र में मर्दों का राज हो सके, ना कि मेरा। लेकिन समंदर की देवी, तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही बने रहना चाहिए। बंदी बनाने वाले की मुझसे ऐसी बात है, पर बंदी घर की सलाखों के पीछे से कही गई इन बातों का कोई मतलब नहीं। क्या मेरी ये कोशिश बेकार जाएगी? समुद्र चाहे कितना खतरनाक क्यों ना हो, सारे आदमी उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और कई आदमी अपने गुनाहों को अपनी ख्वाहिशों से ढकने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ। और बदले में मैं तुम्हारा हुनर लेना चाहूंगा, अगर तुम मुझे देना चाहो तो। और अगर ना देना चाहो तो तुम्हारी नाराजगी मंजूर है। चंदरी
जाना यह दुनिया चदरी दे मूई बस यही गल मैं भुल जाना बेगानी पौड़ी जड़ी दानी हुंदा मेरी मां ने सिखाया माड़ा करी दानी हुंदा माड़ा बोली दानी हुंदा माड़ा जरी दानी हुंदा माड़ा करी दानी हुंदा माड़ा बोली दानी हुंदा माड़ा जरी दानी हुंदा समझ गई।
तुझे नहीं चुनेगा, मैं खुद अपने आप को नहीं चुनूंगा। उससे कहना कि वो यहां ना आए, यहां से दूर ही रहे। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं न सिर्फ जहाज का एक हिस्सा बन चुका हूं बल्कि इन दरिंदों में से भी एक। तुम मेरा नाम जानती हो, मुझे पहचानती हो। हाँ, मैं आपके बेटे को जानती हूँ, विलियम। वो मुझे आजाद करने आएगा, वो जरूर आएगा। उसने वादा किया था। ज्यादा वक्त कैदी बन के रहना पसंद नहीं है, विलियम। अच्छा बता, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या फिर तुम्हें लगता है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो नहीं दिखाई देना चाहिए? तुमने तो कोई शोर नहीं मचाया। अजीब है ना, पर इतनी अजीब भी नहीं है। अच्छा, बैकेट के लिए रास्ते में लाशों को बिछाने का ख्याल तुम्हारे अकेले का था? सोचा क्यों ना मतलब ही बन जाओ जैक की तरह। और फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया, इस तरह बैकेट को शिप रैकोव तक पहुंचाकर उसका भरोसा हासिल किया जाए ताकि तुम्हारा काम भी बन जाए। लेकिन मेरा क्या होगा रे बिल्लू? और तेरी माशुका भी तेरी तरह ही सोचती है क्या? सब गोल कर गया, कुछ बताया नहीं उसे? मैं उसे खो रहा हूं जैक। अपने पिता की तरफ बढ़ता हर कदम मुझे एलिजाबेथ से दूर ले जा रहा है। अगर तुम अपना दिल संदूक में बंद कर दोगे तो उसे खो बैठोगे ना। अब अगर मैं तुम्हारे दिमाग के ताले को अपनी चाबी से खोलूं तो यही कहूंगा कि पिता और माशुका के बीच चुनने की नौबत ही मत आने दो, सारे पासे ही पलट दो, डेवी जोन्स को मारने का जिम्मा किसी और को दे दो। लेकिन किसे? तुम्हें? बहुत हमारे इरादों को बड़े अजीब तरीके से उलट पलट देती है। मैं छिपकर डस्टबिन जहाज तक पहुंचूंगा, दिल ढूंढूंगा, उस धड़कते दिल को छोरा मारूंगा, तुम्हारे पिता अपने घर से छूट जाएंगे और तुम अपनी हसीन कातिल से जुड़ जाओगे। और तुम अपना दिल काटकर हमेशा के लिए डस्टबिन जहाज से बंधे रहने के लिए तैयार हो, ठीक कहा ना मैं? नहीं मिली, मैं तो आजाद पंछी हूँ, सात समुंदर की सैर करने के लिए आजाद, मौत से भी आजाद। मरने वालों के लिए इतनी मेहरबानी तो करनी पड़ेगी, उनकी आत्माओं को नाव से दूसरी दुनिया तक ले जाना होगा, वरना डेवी जोन्स की तरह सूंढा जाएगा। इतनी सारी सूंड मेरे चेहरे पे जचेगी नहीं, लेकिन अमर होना है तो सहना ही है ना। ओ, ये कंपास किस लिए? मेरी तरह सोचो, समझ आ जाएगा। साथ चलो।
ये सब करने से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तुम्हारे पिता की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इससे मेरे दूसरे गुनाह माफ बना दे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है फालतू।
समझदार को इशारा काफी है। मेरा ख्याल है तुम एक दूसरे को जानते हो। मेरे जहाज पर फिर नौकरी करने आए हो छोटे नवाब। तुम्हारे जहाज में उनके जैक स्पैरो ने तुम्हें याद किया है। स्पैरो? आपने इसे बताया नहीं, हमने ब्लैकपोल जहाज के साथ साथ जैक को भी छुड़ा लिया था। तुमने मुझसे और क्या क्या बात छुपाई है? एक और बात है जो इससे ज्यादा परेशान करने वाली है। सुना है तुम किसी शख्स को जानते हो जिसका नाम कैलिप्सो है। वो इंसान नहीं, इंसान के नाम पर हैवान है जिसे लोगों को अजीबोगरीब सपने दिखाने में मजा आता है, लेकिन असल में वो सपने झूठे और खोखले होते हैं। वो दुनिया से चली जाए वही अच्छा। वो कहीं नहीं गई, लुटेरों की बिरादरी उसे छोड़ने की सोच रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लुटेरों की बिरादरी ने वादा किया था कि हम उसको हमेशा कैद में रखेंगे, यही समझौता हुआ था हमारा। तुम्हारा समझौता? मैंने उन्हें बताया था उसे कैसे बांधना है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसने एक भी रास्ता नहीं छोड़ा था। वो उसे छोड़ते उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। तुमने उसे प्यार किया था, यही सच है ना? फिर उसे धोखा दिया। उसने प्यार का दिखावा किया मेरे साथ, उसने मुझे धोखा दिया। ये तो बताओ कि तुमने कौन से धोखे के बाद अपना दिल काट दिया था। चुनौती मत दो मुझे। मैंने चाहे खत्म नहीं की थी, तुम मेरे पिता को छुड़ाओगे और आप एलिजाबेथ की हिफाजत करेंगे और साथ ही मेरी। तुम्हारी शर्तें बहुत ऊंची हैं मिस्टर टर्नर, बदले में हमें कीमत भी अच्छी मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ एक ही कीमत पर तैयार हूं, कैलिप्सो का खून। कैलिप्सो ब्लैक पर्ल जहाज पर है और जैक जहाज को लेकर शिपरेक कोव की तरफ गया है। लेकिन तुम तो उस जहाज पर हो नहीं, फिर हमें वहां कैसे ले जाओगे? कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? सब चपड़ कनातियों से उधार लिया। आप सभी सरदारों का मैं स्वागत करता हूं और इस सभा की कार्रवाई शुरू करता हूं। मैंने आपको यहां खास मकसद से बुलाया है। अपने नाव के सिक्के डालो मेरे नाव कप्तानों। शेबों में सिक्कों के अलावा जो भी कचरा है उसे डाल दो। ये तो सही मायने में लुटेरों की जुबान होगी। रैगटी, मेरी अमानत यहाँ लाओ। मैंने तो इसे अच्छी तरह संभाल कर रखा जैसे आपने कहा था। हाँ, कहा तो था, अब ये वापस करो। लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी लुटेरों का एक सरदार आना बाकी है और जब तक सांफेंग यहाँ ना आ जाए मुझे नाम देने की कोई जल्दी नहीं है। सांफेंग मर चुके हैं, वो फ्लाइंग डचमैन का शिकार हो गया। वो मनहूस जहाज तुम्हें कप्तान बनाया।
कब्जे में है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। कौन है ये धोखेबाज? हम में से कोई नहीं हो सकता। विल कहाँ है? वही तो यहाँ नहीं। सवाल ये नहीं कि उन्हें हमारा पता कैसे चला, सवाल ये है जब उन्हें पता चल चुका है तो हमें क्या करना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए। हमारे ये गुफा एक किले की तरह है और ये किला पूरी तरह से महफूज है। अगर वो यहाँ पहुँच ही नहीं सकते तो लड़ने की जरूरत ही क्या है? एक तीसरा रास्ता भी है। किसी जमाने में लुटेरों के पहले जमघट ने समंदर की देवी को यहाँ इसी जगह पकड़ा था और उसे औरत के जिस्म में कैद कर दिया था। बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। ओ, हमने अपने लिए समंदर पर काबू तो पा लिया और साथ ही बैकट और उसके साथियों के लिए रास्ते भी खोल दिए। वो जमाना अच्छा था जब समंदरों पर हुकूमत अजीब भुतैली चीजों से सौदा करके नहीं बल्कि आदमी के खून पसीने की बदौलत और उसके कंधों की ताकत से की जाती थी। आप सब जानते हैं ये सच है। ये ना बहुत हमें आजाद करना होगा कैलिप्सो को। आज भी वो हमसे उतनी ही नफरत करती होगी। हमेशा सही कहता था, कैलिप्सो को छुड़ाना जरूरी है। इतनी जरूरत धमकी और हमें क्या करोगे? ये पागलपन है। नई पंचायत है वहाँ। हमारे दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो यहाँ पहुँच भी गए हों। हमेशा साथ रहेंगे। काश तुम्हारे पास भी देने को।
सब जिंदगी भर के लिए एक सबक सीख जाएंगे कि मैं कितनी क्रूर और सालिम बन सकती हूँ। और तुम्हारा क्या होगा डेविड जोन्स? मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। समंदर के पहले लुटेरों के सरदारों ने कैलिप्सो को बंदी बनाया था और हमें चाहिए कि हम उसे आजाद करें। शायद वो आजादी के बदले में हम सबको कोई वरदान दे दे। वरदान? 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 इसीलिए तो कह रहा था बुड्ढे झट जैसी दाढ़ी कटवा ले। अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर तरीका है तो फरमाइए, वो क्या है? केकड़े है? मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने प्यारे दोस्तों केकड़ों के बारे में भूलना नहीं चाहिए। इधर उधर नोच मिलाते केकड़े, उन्हें साथ रखकर देखो एक दूसरे को मिनटों में नोच खाएंगे। आदमी की फितरत है ना, या केकड़ों की। हाँ तो हम यहाँ छिपे रह सकते हैं खाना पीना हथियार के साथ, मगर महीने भर में हम में से आधे आपस में लड़ पड़ चुके होंगे। मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है, तुम्हें नहीं लगता क्या? या जैसा कि मेरे काबिल दोस्त बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि कैलिप्सो को छोड़ दिया जाए और दुआ की जाए कि वो हमें बख्श देगी। जो जानते हो मैंने, थोड़ी देर के लिए हम ये क्यों नहीं मान लेते कि वो एक सताई हुई औरत है जिसका गुस्सा नर की आग से भी भयंकर होता है? नहीं मान सकते। इसलिए अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। इसलिए मैं सहमत हूँ, यकीन नहीं होता कि ये लफ्ज मेरी जबान से निकल रहा है। कैप्टन स्वान, हमें लड़ना चाहिए। तुम हमेशा लड़ाई से दूर भागते रहे हो। नहीं, कभी नहीं। तुम भागते हो। नहीं भागा। तुम भागते हो। नहीं भागा। भागते हो, तुम ये जानते हो। नहीं भागा, सरासर बकवास है। मैंने तो हमेशा पूरी शिद्दत से लुटेरों के सबसे पुराने और नेक काम में हिस्सा लिया है। मैं सबको हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि हम दुनिया भर के लुटेरों को दिलो जान से लड़ना चाहिए। भागने के लिए? हाँ। नियम के मुताबिक जंग का ऐलान जो अब होने वाली है उसे सिर्फ लुटेरों का राजा ही कर सकता है। अपने नियम मत बनाओ। अच्छा तो ऐसा है तो मैं कप्तान टीक को बुलाता हूँ, इस नियम के रखवाले को। जी संभाजी ही है सब नू गंद मंदे ने, गोली मारो नियम नू। नियम ही कानून है। मेरे रास्ते से हटो लड़के। कानून ये नियम के गलत पुराने जमाने के लुटेरों ने लिखा। करने का हक सिर्फ लुटेरों के राजा का होता है। राजा कहाँ है? लुटेरों के जमघट के बाद कोई राजा बना ही नहीं और अब उसकी गुंजाइश भी नहीं। कोई गुंजाइश नहीं? वो क्यों? क्योंकि लुटेरों का राजा बहुमत से चुना जाता और हर लुटेरा हमेशा अपने आप को ही चुनता है। चलो चुनाव करते। कैप्टन शिवल प्यार का हमारा गरीब लुटेरा। श्री शंभाजी चुनते हैं श्री शंभाजी नो। मिस्ट्रेस चिंग खूबसूरत
चौकाट एलिजाबेथ स्वान क्या राज्य हुआ ना तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप लोग नियम के मुताबिक नहीं चलेंगे चलो ठीक है तो आप क्या कहती हैं कैप्टन स्वान लुटेरों की बिरादरी की राजा हर जहाज को तैयार किया जाए सूरज उगते ही जंग की शुरुआत होगी जीने या बचने का नाम नहीं है जैक इसका राज है कभी अपने होश आवाज नहीं गंवाना माँ कैसी अच्छी लग रही है चाहते हो तो अपने पाए देखो इन सब से मेरा हाथ साफ है बिल्कुल साफ है मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से अपने मकसद के लिए किया जैक का इससे कोई वास्ता नहीं था बिल्कुल ठीक कहा बिल्लू की बात सुनो विल मैं डचमैन जहाज पर जा चुकी मैं तुम्हारी जज्बात समझती हूँ पर अब ये कोशिश बेकार है कोई कोशिश बेकार नहीं होती अगर उस जंग में लड़ने के लिए एक ही बेवकूफ क्यों ना बचा अगर टर्नर तुम्हारे कहने पर काम नहीं कर रहा था तो वो मुझे ये देने कैसे आया तुमने मेरे साथ सौदा किया था जैक कि तुम लुटेरों को ले आओगे और देखो ये भी आओ अब शर्माओ मत जैक कदम बढ़ाओ और अपना इनाम ले लो और इस तरह की गद्दारी की कीमत क्या हो सकती है उसकी शुरुआत होगी डचमैन जहाज पर 100 साल की गुलामी से याद है ना वो कर्ज मैंने उतार दिया किसी की मदद से तुम भाग निकले नहीं बचाया गया मैं एक प्रस्ताव रखती हूँ विल हमारे साथ जाएगा
और तुम जैक को ले जा सकते हो। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, जैक के पास उठाओ हिस्सों में से एक है, उसका सौदा नहीं हो सकता। राजा कौन है? आपका हुक्म सलाह को अगर तुम मुंह खोलोगे तो याद रखना मेरे पास भी उगलने को बहुत कुछ है। मैं निगलना जानता हूं, उगलना नहीं। चल मां
धोखा दिया। उसका नाम बताओ। डेवी जोन्स। एक जंग लड़नी बाकी है। हमारे खिलाफ जहाजों का पूरा बेड़ा है और डचमैन जहाज के सामने हम टिक ही नहीं सकते। जीतने की गुंजाइश कम है। सुनो, बदला लेने से तुम्हारे पिता वापस नहीं आ जाएंगे और मैं इसके लिए अपनी जान नहीं देना चाहता हूँ।
हमारी तरफ है जनाब। हाँ वो तो है, डेवी जोन से कहो कि बिल्कुल रहम ना करे, उसकी तो चांदी हो जाएगी। Thank you.
अपने हथियार और टोपी वगैरह लेने आया था। तुम लोग बहुत बहादुर हो, मगर यहाँ क्या कर रहे हो? जंग तो बाहर चल रही है, किसी को तो यहाँ संदूक पर नजर रखनी होगी। नहीं तो क्या, जहाज पर पायरेट्स नियम तोड़ बन गए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। सारा कसूर मछली वालों का है। अच्छा, मछली वाले, यानी ये लोग मछली वाले होने की वजह से आम आदमियों की तरह कायदे कानून नहीं मानते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसे ही हैं। तुमने सही कहा, अगर ये मछली वाले यहाँ पर ना होते तो हमें संदूक की रखवाली भी ना करनी पड़ती। और अगर संदूक ही ना होता तो रखवाली की जरूरत ना होती। Thank you.
अच्छा ये वाली खतरनाक गलती, लेकिन
कितनी आसानी से खत्म की जा सकती है। मुझे बताओ विलियम टर्नर, तुम मौत से डरते हो? और तुम? ये देखो, तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे हाथ में है। तुम बड़े ही सालिम इंसान हो जैक। अच्छा, अपने पे आई तो फड़फड़ाने लगे। ऐसा क्या? इंतजार कर रहे हैं वो
वो सोच रहा है कि हम भी अपना वादा निभाएंगे। तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं जैक, ये तो बस एक सौदा है।
जाओ से लेकर आ। तसल्ली देती रहो जाने में। पिछली बार जो हुआ वही काफी है। दूसरा जूता कहाँ है? Thank you.
ब्लैक होल जहाज बाई तरह चुका रहता है, पर कई बार तो जवान खूबसूरत औरतें से देखकर डर भी जाती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम देखते ही नाच दोगी। यही है वो ब्लैक होल जहाज, ये तो कुछ खास बड़ा नहीं है जान, ये तो नंदी सी नाव है। मेरा जहाज तो जाने मन महाकमाल महाधमाल और विशाल है, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं वो तो नहीं? हाँ वही तो है, लेकिन वहां क्यों है? करीब से काफी बड़ा दिखता है। जैक तुमने वादा किया था उसकी सैर कराओगे। इसने कहा था जहाज में पहले मैं बैठूंगी। क्या तुम बैठोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों बैठोगी तुम? चपड़ कराती मेरा जहाज क्या अपने आप समुद्र की सैर को निकल गया? जहाज, हम जहाज पर ही हैं। जैक, जहाज चला गया। वाह मियां, क्यों देवी हो अम्मा, चपड़ चपड़ बंद करो। मेरी बात सुनो। हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा था। नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बहुत मोटी दिखती हो तुम इन कपड़ों में, और तुम्हारे मुंह से तो बास आती है, और तुम्हें खेलनी चाहिए कंचों की गोली। और सुनो चमक चिल्लो, जब मैं कभी हिंदुस्तान गया नहीं, मुझे क्या मालूम ताजमहल कहाँ है? और ये जो बेमतलब मैं बड़बड़ा रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरा जहाज फिर से छू मंतर हो गया। चलो जल्दी हो जाओ। जो हथिया सकते हो हथिया तो दिखा दो समुद्री कछुए। एक बात बताइए मोहतरमा, आपने कभी समुद्री कछुए देखे? शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हो, कितने प्यारे बच्चे हो। कप्तान, कुछ लोग यूं कप्तान जैक को पीछे छोड़कर जाने की बात से काफी दुखी हैं। फिर से? हाँ फिर से। अच्छा तो दुखी हैं। अगर आप हमें वो नायाब चीज दिखा दे जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो हमारी बेचैनी थोड़ी कम हो जाती। और वो नक्शा देख सके तो अपनी आँखों से, हमारे दिलों में जो गुनाह का बोझ है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो दिल थाम के बैठो दोस्तों, हमेशा जिंदा रहने के कई और भी तरीके हैं। पेश है जवान बने रहने का राज नक्शा, ये देखो। आओ, आओ, ये क्या? स्पैरो साला, नहीं।